बिल्कुल तार्किक है कि पासवान रेजिमेंट भी होना चाहिए ने मुगलों को परास्त किया मुगलों को बुरी तरह परास्त किया और वो अगर वो सेना में अगर पासवान जाति के सैनिक सेना, और सेनापति नहीं होते तो मुगल परास्त भी नहीं होते आज देखिए बिहार में अगर चौकीदार चौकीदारों की संख्या देखी जाए तो नब्बे प्रतिशत उसमें आपको पासवान जाति के लोग ही दिखेंगे तो मैं अपने समाज के लिए सम्मान के लिए इस मांग को उठा रहा हूँ वो समाज जिसको वर्षों से वोट के लिए इस्तेमाल किया गया लेकिन को सम्मान नहीं मिला तो तो ये जो पासवान रेजिमेंट की मैं मांग कर रहा हूँ ये अकेला कोई जातीय रेजिमेंट नहीं होगा इसके पहले भी राजपूत रेजिमेंट हम देखते हैं कि भारत की सेना में है

दिख जाते हैं अब तो सवाल यह भी उठने लगा है कि जब इतने सशक्त हो चुके हैं जो दुषात समाज है बिहार का तो आखिरकार उनका अपग्रेडेशन क्यों ना किया जाए इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी हमारे साथ आदित्य पासवान है देखिए युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और सताईस साल तो राजनीति आप कर ही रहे होंगे सर चलिए इसी पर हम बात करेंगे इनका एक मांग है आपने कई वीडियोज भी देखा होगा इनका पासवान रेजिमेंट का आखिरकार पासवान रेजिमेंट की मांग क्यों उठ रही है और इसका इससे फायदा क्या होगा पासवानों को ये सभी सवाल हमारे रहेंगे स्वागत है सर आपका द बिहार टॉप पर पहला सवाल यही रहेगा सर कि कई वीडियोज मैंने आपके देखा आप पासवान रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं तार्किक तौर से आपको लगता है सर कि ये सरकार जो है वो सुनेगी इस मांग को और इसका मांगने का मतलब पीछे रीजन क्या है सरकार को इस और देखने और सुनने की बिल्कुल आवश्यकता है क्योंकि पहला तो ये है कि ये जो पासवान रेजिमेंट की मैं मांग कर रहा हूँ ये अकेला कोई जातीय रेजिमेंट नहीं होगा इसके पहले भी राजपूत रेजिमेंट हम देखते हैं कि भारत की सेना में है गुरखा रेजिमेंट है इस तरह के और भी हैं तो ये बिल्कुल तार्किक है कि पासवान रेजिमेंट भी होना चाहिए अब क्यों होना चाहिए इसलिए कि हमारा इतिहास जो रहा है ना बिल्कुल हम मार्शल कॉम के नाम से जाने जाते हैं बिहार में और चौकीदारी पहरेदारी ये करने का हमारा इतिहास रहा है और हमारे पुरखों ने मुगलों को परास्त किया मुग़लों को बुरी तरह परास्त किया और वो अगर वो सेना में पासवान जाति के सेना सैनिक और सेनापति नहीं होते तो मुग़ल परास्त भी नहीं होते और उसके बाद देखिए उदय हुआ बिहार में वीर बाबा चौहरमल का जिनके हम जिनके हम वंशज हैं वीर बाबा चौहरमल ने लंबे समय तक सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा और उन्होंने सामंतवादी लोगों को परास्त किया तो हमारा लड़ने का इतिहास रहा है और समाज में हम हमेशा सुरक्षा देते रहे हैं आज देखिए बिहार में अगर चौकीदार चौकीदारों की संख्या देखी जाए तो नब्बे प्रतिशत उसमें आपको पासवान जाति के लोग ही दिखेंगे तो हर तरह से ये मांग हमारा तार्किक है कि पासवान रेजिमेंट का गठन भारत की सेना में बिल्कुल होना चाहिए और अगर सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम अभी पूरे बिहार में सारे जितने ये पासवान संगठन है या पासवानों से मेरी बातचीत हो रही है एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम हैं अगर सरकार अगर मान जाती है कि हाँ ठीक है ये अनाउंस करती है कि आने वाले समय में हम पासवान रेजिमेंट के गठन करेंगे नहीं तो एक बड़े आंदोलन की तरफ हम पासवान समाज बिहार का बढ़ रहा है बढ़ रहा है आ, आंदोलन की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं अब इसको जरा राजनीति से हम जोड़ देते हैं अभी तो, तो जाति की बात हो रही थी ये सर्वमान्य है कि बिहार के सबसे बड़े अगर पासवानों को कोई नेता है तो चिराग पासवान है मानते हैं इस बात को आप उनके पिताजी पिताजी उनके थे लेकिन आज तो वही है अब उत्तराधिकारी वही है पशुपति कुमार पारा साइड हो गए हैं अब आप अगर इसको लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करिए और ख़ासकर जाति को लेकर और चूंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास वो इसी जाति के वोट कैडर पर लोकसभा हो या विधानसभा में उतरेगी तो आपको नहीं लगता है कि कहीं कही ना कहीं चिराग पासवान के खिलाफ भी आप एक बिल्कुल फूकना चाह रहे हैं क्योंकि चिराग ने कभी यह मांग किया ही नहीं आज तक नहीं 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 मैं ये सोच के इस मांग को लाए नहीं हूँ कि मैं चिराग पासवान या किसी के विरोध में इस मांग को उठा रहा हूँ ये ये मांग जो है ये मेरे अपने समाज के लिए है वो समाज जिसको वर्षों से वोट के लिए इस्तेमाल किया गया लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिला तो मैं अपने समाज के लिए सम्मान के लिए इस मांग को उठा रहा हूँ इसमें अगर किसी को लगता है कि उनके विरोध में एक पैदल लाइन खड़ा करने के लिए किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है ये हमारे समाज के सम्मान के लिए है जो वर्षों तक उनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और सम्मान नहीं मिला इसलिए और ने तो इसमें समर्थन उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा समर्थन है तो अब समर्थन की बात सिर्फ बोल देने से नहीं होता है उसको वो आगे लेके चले लोकसभा में उसको वो आगे लेके चले और और लोकसभा में उठाते हैं या फिर सरकार से बात करते हैं और सरकार इस पे राज़ी होती है तो अच्छी बात है नहीं होती है तो हम आंदोलन करने जा रहे हैं ये निश्चित है हमारे साथ आंदोलन में शामिल हूँ तब तो लगेगा भाई ना कि उनका समर्थन है अन्यथा एक सिर्फ कहना ये बयान देना ये बयानवीर होंगे वो बस जैसे निरहुआ ने जब पहली बार वो सांसद बने और सांसद बनते ही उन्होंने लोकसभा में यह मांग उठा दी अहि रेजिमेंट की वीडियो खूब वायरल हुआ था हमने वो खबर किया था तो अब चिराग पासवान तो दूसरी बार एम बन चुके हैं तो अब तो आपको लगता है कि उनको उठाना चाहिए ये मांग पासवान रेजिमेंट का लोकसभा में चूंकि अभी तक सिर्फ पत्रकार से बोले होंगे इस तरह का कोई आचरण दिखाना अब देखिए अब उन्होंने अभी तक क्यों नहीं मांग उठाया ये उनकी समस्या है उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ अब जहाँ तक समर्थन की बात हो तो समर्थन सिर्फ बयान से नहीं होता समर्थन दिखना चाहिए उनको चूँकि वो सांसद हैं तो वो दिखना चाहिए कि उनका समर्थन और बयान जो है वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंच रही है केंद्र सरकार में वो दूसरी बार सांसद है उनके पिताजी का लंबा इतिहास रहा है उनकी अच्छी पहुंच पकड़ वहां पे है तब तो लोग मानेंगे ना मैं अपने समाज के लिए मांग कर रहा हूँ और करता रहूँगा और आंदोलन करूंगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है अब उनको देखना है अगर समर्थन सही में करना है समाज के लिए तो समाज के साथ हैं आप कांग्रेस पार्टी से हैं तो एक सवाल ये भी रहेगा आदित्य जी कि क्या कांग्रेस जो है वो एक पासवान नेता को खड़ा करना चाह रही है चिराग के सामने क्योंकि आपके आपका जो आचरण है उससे ऐसा ही लगता है नहीं नहीं देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए सब जितने भी जात हैं वो वो सबके लिए सबके लिए समान होते हैं समान बिल्कुल समान भावना में कांग्रेस हमेशा विश्वास रखती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि वो किसी के पैरल में खड़ा करने की बात ये बिल्कुल नहीं ये गलत बात है ये समाज के सम्मान के लिए है कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जो समान जो सम्मान मिलना चाहिए था इस समाज को वो नहीं मिला है और इस रेजिमेंट के गठन से इस समाज को सम्मान मिलेगा और देखिए क्या होता है ना कि रेजिमेंट जो भारतीय सेना में होती है जैसे मान लीजिए राजपूत रेजिमेंट है या जे के है या फिर गुरखा रेजिमेंट है तो गुरखा सिख रेजिमेंट है तो उसमें सभी जात के सभी वर्ग के लोग होते हैं सम्मान उस समाज को मिलता है जिसके नाम से वो रेजिमेंट होती है तो ये अगर इस पासवान समाज के नाम से रेजिमेंट होती है तो एक बहुत बड़ा सम्मान होगा जो इस समाज को मिलेगा और जो ड्यू है काफ़ी वर्षों से ड्यू है चलिए एक सवाल अब ये भी कर लेते हैं कि बिहार में रोजगार का मुद्दा बड़ा गर्म है अभी आप लोग सरकार में हैं वादे पे वादे हो रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो रामायण पर ही लगे हुए हैं रोजगार का मुद्दा आपको लग रहा है कि सुलझ पाएगा इस सरकार से चूंकि आपकी भी आप खुद सरकार में सहभागी हैं कांग्रेस सहभागी है सरकार से सुलझने वाला है बेरोजगारी का मुद्दा देखिए अभी बिहार के महागठबंधन महागठबंधन सरकार जो है वो काफ़ी प्रयासरत है कि बेरोजगारी को बिहार में दूर करें और इसलिए जितनी भी रिक्तियाँ हैं जितने विभागों में उनको ला करके उसको भरने का शुरू हो गया है प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन वो प्रक्रिया में समय लगता है मैंने पहले भी और चैनलों के माध्यम से जो हमारे युवा हैं बिहार के भारत के मैंने कहा है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाए क्योंकि उसके नंबर्स लिमिटेड होते हैं और जो संख्या जनसंख्या हमारी है उसके ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगा जो फैक्ट है तो आप सेल्फ सेल्फ लैंड बनिए सेल्फ लैंड बनने का कहने का मकसद ये है कि आज बिहार सरकार पिछले वर्ष भी इक्कीस बाईस में हाँ इक्कीस बाईस में बाईस तेईस में वो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की थी जिसमें काफ़ी लोगों ने लाभ मिला लाभ लिया उसको फिर अभी 800 करोड़ का उसमें बजट का प्रावधान किया गया है कि युवा आगे आए खुद का रोजगार करें और समाज में एक अपनी नई अलग पहचान बनाए देखिए उससे क्या होगा कि एक युवा कई लोगों को नौकरी दे पाएगा मार्केट में पैसा जाएगा स्टेट की इकॉनमी बढ़ेगी स्टेट सेल्फ लैंड बनेगा स्टेट की इकॉनॉमी बूस्ट होगी फिर रोजगार का जो लोग इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं देखें आप सेल्फ रिलायंट हो सरकार आपको मदद करने जा रही है आप इस और देखें इस चीज़ को पता करें इस दुष्प्रचार में नहीं पड़ें कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है जैसे बाहर से लोग आते हैं दिल्ली से आते हैं दो चार दिन रहते हैं यहाँ पे दुष्प्रचार करते हैं सरकार के बारे में तो मेरा ये कहना है कि आप सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी लाइए आप अप्लाई कीजिए सरकार आपको पैसा देने को तैयार बैठी हुई है सवाल है आप जो बात कर रहे हैं यही बात एकदम यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए सरकारी नौकरी पर मत बैठे रहिए सरकारी स्कीम्स को जानिए वहां से फायदा उठाइए पकौड़ा बेचने तक की बात करते थे तो आप भी तो वही बात नहीं, कर नहीं, रहे हैं मैं मैं ये इसमें सेंट्रल स्कीम की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो लोगों ने बिहार में इसका लाभ लिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लिया लोगों ने और अपना प्लांट बैठाया है और अपनी अपना काम को शुरू कर दिया तो ऑलरेडी ये बिहार में शुरू हो चुका है मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि जो युवा हैं इस स्कीम के बारे में जानकारी लें और अप्लाई करें उसको और सरकार आपको मदद करने को तैयार है आपको फाइनेंस करने को तैयार है आप वो फाइनेंस का लाभ उठाएं आप अपनी इकाई शुरू करें आपकी इकाई शुरू करने से आप आगे दस लोगों को नौकरी दे पाएंगे मार्केट में पैसा जाएगा आपके कारण आपका स्टेट ग्रो करेगा मैं सेंट्रल स्कीम की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा करूँ जो बिहार सरकार जो पिछले साल सक्सेसफुली जिस स्कीम को पूरा की है उस स्कीम को फिर आगे बढ़ाया गया और 800 करोड़ का प्रावधान फिर दिया गया है तो उसका लाभ उठाएं बिहार के लड़का बच्चे जो हैं उसका लाभ उठाएं चलिए तो अब हम फिर जुड़ेंगे आदित्य जी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और काफी मुखर प्रवक्ता हैं खुलकर बातें अपना रखते हैं पासवान रेजिमेंट की मांग है और ये कोई पहली दफा ये चैनल पर बैठ के नहीं बोल रहे हैं कई बार बोले हैं लेकिन हमें भी इस बात की क्यूरोसिटी थी कि आखिरकार क्यों क्या लॉजिक है इसके पीछे बताया इन्होंने और बड़ा जन आंदोलन की भी बात कर रहे हैं और उसमें पसवान समाज जो है बिहार का दुसात समाज इसे कहते हैं वो कितना हिस्सा लेता है इस पर भी ये भी चर्चा का विषय होगा लेकिन अगर निकट भविष्य में सरकार इनकी मांग नहीं सुनती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा सही बोल रहे हैं सर चलिए हम फिर जुड़ेंगे आदित्य जी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया